फौज के अंदर बगावत कराने की कोशिश करने वाले मुजाकरात भी उन्हीं से मांग रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का तंज, कहा मुजाकरात से इनकार करने वाले अब कह रहे हैं कि सियासत में कभी दरवाजे बंद नहीं होते, जब उनकी हुकूमत थी तब किसी के साथ बैठने को तैयार न थे, अगर मुजाकरात होने हैं तो सब स्टेक होल्डर्स शामिल होंगे। मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील की समाअत की तारीख तब्दील, 8 मई के बजाय 6 मई को सुनी जाएगी। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। पिंक बस सर्विस को आवाम ने सराहा, आवामी सहूलत के वादे पर कार्बन है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को डिजिटलाइजेशन की जानिब गामजन किया। वजीर आला सिंह का पीपल्स बस सर्विस के लिए स्मार्ट कार्ड जारी करने की तकरीब से खिताब, शर्जील इनाम मेमन बोले ट्रांसपोर्ट के शोबे को जदीद करने जा रहे हैं, ऑटोमेटेड सिस्टम से किराए की कलेक्शन में शफाफियत आएगी, पूरे यूरोप में खवातीन के लिए कोई अलग बस सर्विस नहीं, ये क्रेडिट सिर्फ सिंध हुकूमत को जाता है, निगरान हुकूमत में रेड लाइन पर काम नहीं हुआ, अब शुरू हो चुका। नवाज शरीफ फिर नून लीग की सदारत संभालने को तैयार, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और जनरल काउंसिल के इजलास तलब, दोनों इजलास 11 मई को मरकजी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में होंगे। शहबाज शरीफ पार्टी सदारत के लिए नवाज शरीफ को नामजद करेंगे। हुक्मरान जमात का गंदम स्कैंडल के जिम्मेदारान के एहतसाब का फैसला, नवाज शरीफ से वजीर आजम की जाती उम्र में मुलाकात मुतवक्के, शहबाज शरीफ की रिपोर्ट के बाद पंजाब हुकूमत गंदम खरीदारी से मुतालिक फैसला करेगी। नायब वजीर आजम इसहाक डार से नाइजेरियन हम मनसब की मुलाकात, इकतसादी मैदान में तआवुन को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक, दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आजम का यादा, दोनों रहनुमाओं का OIC के फ्रेमवर्क के अंदर राब्ताकारी पर भी तबादला ख्याल। मीरपुर खास में इंतजामिया नकल की रोकथाम में नाकाम, इम्तिहानी मराकज में मोबाइल फोन्स का खुलेआम इस्तेमाल, असिस्टेंट कमिश्नर के मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज पर छापे, 50 से ज़ायद तलबा के पर्चे मनसूख करने की सिफारिश। मिल्लत एक्सप्रेस में खातून पर तशद्दुद करने वाले अहलकार की जमानत मनसूख, हैदराबाद की अदालत ने पुलिस को गिरफ्तारी की इजाज़त दे दी, मुलजिम की अदम पेशी के बायस गिरफ्तारी ना हो सकी। आर्मी चीफ से बॉक्सिंग लेजेंड आमिर खान और मार्शल आर्ट्स चैंपियन शाहजेब रिंद की मुलाकात, सिपा सालार ने शानदार कामयाबियों पर मुबारकबाद दी, दोनों की सलाहियतों को सराहा। और स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन के लिए इंटरनेशनल कंसल्टेंट की खिदमात ली जाएं, चेयरमैन PCB के हुकाम को हिदायत, 3 रुकनी कमेटी कायम करने का हुक्म, मोहसिन नकवी बोले स्कोर बोर्ड और लाइव स्ट्रीम के लिए स्क्रीन तब्दील की जाए, फ्लड लाइट्स को तब्दील करने का भी तखमीना लगाया जाए।